नुकसान हुए थे, जिसे बात साथ में गिनना रहा। मुमताज नूर जहां की अपनी भतीजी थी। जब जहांगीर ने मुमताज को देखा तो कहा, मेरे नूर, मैंने क्यों नहीं पाले मुमताज को। यही कारण था, शाहजहां कहीं भी जाता था तो अपनी बेगम को साथ ले जाता था। जहांगीर लाख जाता था, बेटा महल में ही बेगम को रहने दो, ज्यादा सुरक्षित नहीं, मेरे साथ ही ज्यादा सुरक्षित। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ हुआ था। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ हुआ था। शाहजहां के समय में 1636 ईस्वी में अहमदनगर की धरती को जीतकर मुगल साम्राज्य की धरती में शामिल किया गया था। शाहजहां ने दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था की देखरेख का भार अपने बेटा औरंगजेब को सौंपा था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की लगान व्यवस्था में सुधार अपने एक अधिकारी के सहयोग से किया था, जिसका नाम मुर्शिदकुली खान था। मुर्शिदकुली खान को दक्षिण भारत का टोटल मत कहा गया। शाहजहां के दरबार में जगनाथ जैसे संगीतकार रहते थे और जगनाथ सुबह के समय राग अलाप रहा था और शाहजहां सोया हुआ था। जब दिन टूटी शाहजहां के और टूट अच्छा था का वह एक कितना अच्छा गला है, कौन गाता है, अरे दरबार में रस्ती है का इतना के पूरे रात को बांधा जा सकता है, नहीं तो आगे जाओ कुछ मत बोलो, इस संगीतकार को हाथ पांव बांध दो। तब बांधे हाथी गाने लगा, क्या बात है, आप क्या करें, शाहजहां का तराजू पर रख दो। रख दिया क्या, अब हमारे खजाना को खोल दिया जाए और उससे हीरा मोती सोना चांदी को निकाल कर इस संगीतकार को तौल दिया जाए। उस वक्त अब क्या करें, इस सारे हीरा मोती सोना चांदी को बोरा में बंद कर दो, हाथ पांव बंधा हुआ उसे अपने घर तक छोड़ दो। जगन्नाथ को हाथ पांव बंधा हुआ बोरा में जितने सोना चांदी साथ घर छोड़ दिया गया। जब हाथ पांव बंधा हुआ जगन्नाथ घर पहुंचा तो उसके परिवार के सारे लोग रोने लगे। जगन्नाथ ने कहा, मेरी बेगम, आंसू को रोकिए और इस बोरा को खोल के देखिए। जैसे उसकी बेगम बोरा खोली, बोली, भाई तैयार, इतना सोना चांदी हीरा मोती इसको हम क्या करेंगे। जगन्नाथ मुस्कुराते हुए कहा कि बेगम, आपको यदि कहती थी कि आज तक आप मेरे लिए यही किया है, इस सोना चांदी हीरा मोती से आपके लिए नाच बनाएंगे झुमका, कान बनाएंगे हथिया। दूसरे दिन जगन्नाथ फिर सिल्क का कुर्ता इत्र पहनकर दरबार गया और आग अलापने लगा। और उस दिन शाहजहां का मूड ऑफ था, उस दिन तो देखा इतना खराब चला इंसान पता है कौन गा रहा है, मार सिस्टम है तो मार चाहू कहते मारा गया तू भागा दरबार से। कहा, अजीबो गरीब मुगल राज है, यहाँ पर कब खुश होकर हीरा मोती तोल लेने लगेगा और कब मारने लगेगा इसकी कोई गारंटी है। तो जगन्नाथ भाग कर गया, फिर दोबारा घूर कर नहीं आया। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ जैसे विद्वान रहते थे। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगाधर ही जैसी पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां के दरबार में सुंदरदास जैसे विद्वान रहते थे। सुंदरदास ने सुंदर सिंगार सिंहासन बतीसी एवं बारह मासा जैसी पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां के शासन काल में केशव दास ने कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया जैसी पुस्तक की रचना की। शाहजहां का बड़ा बेटा, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिंह था। दारा सिंह के इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम जानते हैं। दारा सिंह मुगल राजवंश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान था। इससे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान मुगल राजवंश में कोई हुआ ही नहीं। दारा सिंह ने 52 प्रतिशतों का फारसी भाषा अनुवाद सीरे अकबर के नाम से करवाया था। इसने मंजूर बहरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां का शासन काल स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के समय में सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए जाते थे। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, इसे हम तख्त ताऊस के नाम जानते हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मूल कलाकार बादल का था। शाहजहां की बड़ी बेटी जहां गरीब बेटी जहानारा थी और मुगल परंपरा के अनुसार बड़ी बेटी शादी नहीं करती थी, इस प्रकार जहानारा अनमेरिड थी। जहानारा बड़ी बेटी शादी नहीं करती थी, इस प्रकार जहानारा अनमेरिड थी। लेकिन
लेकिन उसका नाम को दाता माँ पिता का सेवा करना और बड़ी बेटी की जो सम्मान होती थी एक राजा का भी नहीं होता था। इस प्रकार शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराई, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां के जीवन में दुख का वक्त आ गया 1631 ईस्वी में। मुमताज शाहजहां की बाहों में अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें दे रही थी और वो मौत का इंतजार कर रहे थे। और शाहजहां से पूछे कि हमारे शौहर, दुनिया वाले कहते हैं कि मुमताज बहुत खूबसूरत है, आपकी निगाह क्या कहती है? शाहजहां रोते हुए कहा कि दुनिया वाले जितने बोले कम बोले, उन्हें क्या बोलना चाहिए, मुमताज से ज्यादा ना कोई खूबसूरत है ना कभी कोई हो सकता है। तो फिर मेरे नाम पर एक वादा कीजिए, मेरे नाम पर एक ऐसी इमारत बनाएंगे आप, उस इमारत को देखकर दुनिया वाले सोच सके शायद मुमताज देखने में ऐसी होगी। दूसरा शर्त यह है, मेरे मरने के बाद आप शादी नहीं करेंगे, आपको हमारी याद में जीना होगा। यह कहकर मुमताज अपनी जिंदगी की अंतिम विदाई धीरे 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 कहने लगे। इस प्रकार 1631 ईस्वी में मुमताज के मरते ही शाहजहां ने आदेश जारी किया आगरा की यमुना नदी के तट पर ताजमहल की नींव रखी जाए। ताज यानी मुकुट यानी सरोवर। इस प्रकार ताजमहल की नींव 1631 ईस्वी में रखी गई, जो बनकर 1653 ईस्वी में तैयार हुई। ताजमहल के निर्माण में कुल 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल के निर्माण में कुल खर्च आया था 9,17,00,000 से अधिक रुपया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां ने कहा, उस्ताद अहमद लाहौरी, सूर्यास्त होने से पहले तक आप हमारे खजाना में जाए, जितना धन लेना है ले लें। उस्ताद अहमद लाहौरी बोरा का बोरा हीरा मोती भरकर शाहजहां के करीब आया। शाहजहां का उस्ताद अहमद लाहौरी, ये बाजू किस लिए होते हैं? धन कमाने के लिए। आपके इतना धन हो गया कि आप कई जनरेशन नहीं भी काम करेगा फिर भी गएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी, हम नहीं चाहते दूसरा ताजमहल इस धरती पर बने। मुमताज एक, ताज भी एक। अगर ये बाजू रहेंगे तो कभी न कभी दूसरा ताजमहल बन जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये हाथ हमें दे दो। क्या नहीं, उसके हाथ को काट दिया। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के उद्देश्य से दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नगर का निर्माण कराया। शाहजहां के जिंदगी में अंतिम वक्त, शाहजहां के जिंदगी के अंतिम समय अत्यंत कष्ट बीता, क्योंकि शाहजहां का जीता रहते ही उसके बेटे में राज सिंहासन के शरीर जंग इस जंग में औरंगजेब ने उठाया तलवार। अपने सारे भाइयों को मारने के बाद शाहजहां को घिसते हुए आगरा के शाहपुर में कैद कर दिया। शाहजहां के कैदी जीवन में एकमात्र सहारा उसकी बड़ी बेटी जहानारा थी। इतिहास साक्षी रहा है, बेटी का सबसे अधिक लगाव अपने बाप से ही होता है। और औरंगजेब शाहजहां को पानी पीने पर भी रोक लगा दिया। शाहजहां तड़पने लगा, प्यास से औरंगजेब को पत्र लिखा, बाप बेटा बाप कैसा इंसान है तुम, वो लोग तुमसे बेटर हैं जो अपने पिता के मरने के बाद भी उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए जल तड़पता है। तुम ऐसा मेरा बेटा है जो अपने बाप को जिंदा रहते हुए पानी के लिए तड़पा रहा है। शाहजहां प्यास से तड़पने लगा, उछलने लगा और कहा, जहानारा हमें आगरा के साबुन के देने को ले चलो, हम ताजमहल देखना चाहते हैं। इस प्रकार शाहजहां ताजमहल को देखते अपने जिंदगी दिया गया। जहानारा कभी शाहजहां की हाथ दाती न कभी सर सहलाती। शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां को दफनाने के लिए एक इंसान नहीं हो रहा था। शाहजहां की लाश में बदबू आ रही थी। जहानारा रोने लगी और आगरा के साबुन पर चढ़ गई। आगरा के साबुन पर चढ़ने के बाद जहानारा अपनी पुरखा को नोच करके डाले, बोले कि मुगल सम्राट की धरती हमें तुम जी भर के देख लो, तुम्हारी इच्छा जरूर होगी कि मैं एक झलक जहानारा को देखूं। आज मैं अपनी पुरखा को हटा दे, जी भर के हमें देखो, धिक्कार है इस धरती की, आज इस वंश की बड़ी बेटी अपनी नकाब हटाती है, धिक्कार है। शाहजहां का अर्थ होता है संसार का राजा,
जब ये राजा तीन दफा तो आसमान के सूरज की तारे भी नहीं, ये धरती भी सुहाम कर देते, आत्म मारने के लिए कोई नहीं। यह ताकत रोने लगी। अंत में सात जमात को नौ साधारण नौकरों के द्वारा मुमताज के कब्र के बगल में दफना दिया गया। मुमताज के कब्र पर ही ताजमहल बना हुआ। और जहानारा इस सदमा को नहीं बर्दाश्त कर पाई। उसे लग रहा था कि हमारे अबू जान कुछ समय और जीते। यह सोच सोच वह बीमार हो गए और जिंदगी की अंतिम सांसें लेने लगे। औरंगजेब आया जहानारा के करीब। बहना कैसे हो? जहानारा बोले, औरंगजेब मेरे नजर किस मामले से हट जाओ। मैं इस वंश की बड़ी बेटी बोल रही हूँ, तो मेरे नजर के सामने हट जाओ, मैं श्राप दे दी। जहां से मुगल सम्राट चला था वही रुक जाएगा। औरंगजेब डरते हुए चला गया और जहानारा अबू जान अबू जान अबू जान करते हुए जिंदगी त्याग दी। मुगल वंश की बड़ी बेटी की इतनी सम्मान होती थी। जिस रास्ते से वह गुजरती थी वो रास्ते में जो जहां रहते थे वही रुक जाते थे। अपने नजर को नीचा कर लेना होता था। जिस रास्ते से बड़ी बेटी गुजरती थी उस रास्ते से अगर राजा भी आ रहा है तो राजा भी अपना मार्ग बदल लेता था। जहांगीर के बाद उसका बेटा